आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, सभी डॉक्टरों की छुट्टियां की गई रद्द। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। कानपुर में शंकराचार्य निष्णानंद सरस्वती ने दिया बयान, काशी हमारी है, हमें मक्का भी मिलना चाहिए। रायबरेली में दीवार गिरने से युवक की हुई मौत। रायबरेली में ब्राह्मणों के आतंक से परेशान दलित परिवार, डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठा दलित परिवार। टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सीएम 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री जिले को 1,20,00,000 रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसके बाद नगर निगम परिसर में नगर निगम की 21,97,00,000 और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 62,80,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी नगर निगम के सफाई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी करेंगे। बुलंदशहर में खुर्जा नगर में हथियार सप्लायर के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। आपको बता दें, एनआईए की टीम ने इंटरनेशनल अवैध असलहों के सौदागर की मौत के बाद गैंग के सरगना की छानबीन शुरू कर दी। वहीं पिछले दिनों जब दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद जांच में पता चला कि युवक अवैध हथियारों की तस्करी करता था। सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन हथियारों को भी खुर्जा नगर से सप्लाई की बात सामने आई थी। एनआईए की टीम जाँच में जुटी हुई है। अम्बेडकर नगर में महिला थाना अध्यक्ष वंदना अग्रहरी की कार्यशैली इन दिनों काफी चर्चा में है, साथ ही पुलिस अफसरों के लिए मिसाल भी है। आपको बता दें कि पति पत्नी के विवाद की शिकायत को लेकर अक्सर महिलाएं आती हैं, जिसके बाद थाना अध्यक्ष वंदना थाने में आने वाले आधे से ज्यादा मामले में पति पत्नी को समझा बुझा कर मामले का निस्तारण करके देती है, जिसके चलते कई मामलों को समझ बूझ से निस्तारण करवा कर फरियाद को संतुष्ट कराने वाली महिला थाना अध्यक्ष इन दिनों सुर्खियों में है। तो आप थाने पे आई, पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट है? कितने दिन का विवाद था, क्या मामला था? कोई नहीं था, तो मामला जो काम कोई करती है बिना पूछे समझे, थोड़ा हमसे पूछ ले, कोई बात हो घर में, कोई विवाद हुआ था। कितने दिन का विवाद था? विवाद तो 5-6 दिन था। पुलिस के कार्यशैली संतुष्ट है? जी हम तो संतुष्ट हैं। आज करीब हम लोग के पास 8-9 मामलों का निस्तारण किया गया, कुछ की डेट दे दी गई है। पूर्व से एक मामला चला रहा था, पत्नी है अनुराधा है, पत्नी रमेश, इनका मामला निस्तारित किया गया है। दोनों पर छापा सुलह सुलह समझौता करने के लिए तैयार हो गए, राजी खुशी उनकी विदाई की जा रही है। और काफ़ी मामलों में दोनों को निस्तारित करने की कोशिश की गई है और कुछ की डेट दे दिया गया है ताकि वो भी निस्तारित हो जाए। तो जो भी मामला निस्तारित हुआ है, उस मामले से विपक्षीगण खुश हैं? जी जी जी, दोनों खुश हैं, पत्नी भी खुश है, पति भी खुश है, और दोनों का सुलह समझौता भी करा दिया गया है विदाई कराने के बाद।
खबर औरैया के फम्फू थाना क्षेत्र से है, जहां दर्जन से अधिक महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि दबंग उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रहे। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके घर से कई लोग पकड़े जा चुके हैं। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है उनके घर में कोई पुरुष सदस्य न होने के कारण दबंगों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। हमारी समस्या ये जो प्रधान के लड़के हैं, ये कहाँ के, शेरपुर सरैया के, ये हमको खनन का मुकदमा इन्होंने लगवा दिया और हम पे वो मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे दारू के लिए, ये हमने पैसे ना देने के इनकार किया तो ये हाथापाई करने, गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। उसमें से फिर हमने जाके, हम और हमारे साथ में थे भाई लोग, वो जाके उनसे हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद इन्होंने हमारे ऊपर खनन का मुकदमा लगवा दिया। इनसे कहा तुम, ये कहने लगे तुम हमारी चुनावी रंजिश में तुमने हमको वोट नहीं दिए, इसलिए हम तुमको हैरान करें, तुम्हारी गाड़ी वगैरह नहीं चलने देंगे। किन्होंने फांसे हैं? सन्नाम प्रधान। कहाँ के प्रधान है ये? सरैया, शेरपुर सरैया। क्या बात ऐसी रही आपके बच्चों को फांसा गया? हमारे बच्चों को फांसा गया चुनाव के टाइम पर, उन लोगों ने वोट मांगा, लोगों ने वोट नहीं दिए, इसलिए रंजिश उनने पुरानी निभाई। कितने लोग आपके बच्चे फांसे गए? पाँच। आपने कभी पुलिस अधीक्षक या पुलिस से शिकायत की है? की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया गया। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय मिले, हमारे बच्चे क्या इसी तरह फंसते रहेंगे। कितने फांसी? सन्नाम प्रधान। क्या बात ऐसी रही जो आपके बच्चे को फांसना पड़ा? वोट नहीं दे थे हमने, वोट की वजह से फांसे, पुराने रंजिश निभाई हमने। मतलब गाँव के ऐसे कितने लोग होंगे जो यहाँ बच्चे फांसे गए? काफी महिलाएं हैं, एक ही घर के पाँच लोग फांसे गए। तो आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ, पुलिस से शिकायत। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं हाँ करने करें। अब आप लोग क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? कि हमारे बच्चे छोड़े जाएं। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में कमिश्नर और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी ने राम की पैड़ी का निरीक्षण करके जो भी कमी है उन्हें पूरा करने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव में 17 लाख दीपक जलाने की तैयारी है, जिनमें से 15 लाख से ज्यादा दीपक राम की पैड़ी पर पहुँचा दिए गए हैं। इसके लिए कुम्हारों के साथ साथ कई संस्थाओं का भी दीपक बनाने का काम जारी है। कीर्तिमान तो हम लोग बनाएंगे, उत्साह बहुत है हमारे वॉलंटियर्स में, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी। अभी आप देख रहे हैं कि कमिश्नर साहब भी साथ दौड़ा कर रहे थे, कमियों को ठीक किया जा रहा है। और अब की जो है 15 लाख का लक्ष्य है, हम लोग 17 लाख दिए जलाएंगे और 20,000 के आसपास जो है हमारे वॉलंटियर रहेंगे जो दीपों को जलाएंगे। हमारी सारी तैयारी हो गई है, 15 लाख से ज़्यादा दिए आ चुके हैं, 2-2.5 लाख दिए और आने बाकी जो आजकल में आ रहे हैं। राम जन्मभूमि में फर्रुखाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे कुंवर आशीष प्रताप ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही न होने पर मुख्यमंत्री तक मामले को ले जाकर निस्तारित कराने की बात कही। आपको बता दें कि आशीष प्रताप ने 40 वर्ष से अधिक समय से रह रहे दलित लोगों को नगर पालिका द्वारा थमाए गए लाखों रुपए के नोटिस को निरस्त कराने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। ये जो समस्या थी लोगों की, बनखड़िया वार्ड नंबर 12-13 रखा तिराहे से लेकर के ये क्षेत्र लगता है, जहाँ पर कुछ अपने दलित बस्ती हैं और कम से कम ये कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, 20 साल से यहाँ पर लोग वास किए हुए हैं, इनके परिवारीजन, इनके पूर्वजन यहाँ रह रहे हैं। तो इन गरीब लोगों का जो अभी अतिक्रमण के विहाफ पे जो नियमित रूप से अतिक्रमण हुआ है, वो तो चलिए सरकार द्वारा उचित है, ठीक है, लेकिन उसका एक मापदंड तय हो कि इतने नाप इनको लेना। कानपुर में शंकराचार्य स्वामी निष्णालंद सरस्वती ने कहा कि काशी हमारी ही है, हमें तो मक्का में भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। मक्का में भगवान मक्केश्वर महादेव विराजमान है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया जाना चाहिए। निष्णालंद सरस्वती ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में विश्व में विकास का मापदंड अमेरिका से तुलना किया जा रहा है, जो कि विनाश की ओर ले जा रहा है। अमेरिका का विकास विश्व को विनाश की ओर भी ले जा रहा है, इससे मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। मैं मक्केश्वर महादेव से काशी की बात क्यों करें, काशी तो हमारी है,
मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे, आगे क्या करेंगे? गुरुदेव भगवान की जय हो। मानवाधिकार की सेवा में हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए, मक्केश्वर महादेव का स्थान है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 90% मरीज बुखार से पीड़ित है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक वायरल फीवर के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ज्यादातर मरीज इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। वहीं इसके बचाव के लिए संक्रमित इलाकों में फीवर हेल्प डेस्क लगाने की तैयारियां की जा रही है। चिकित्सालय में बुखार के मरीजों की संख्या तो काफ़ी बढ़ चुकी है, और उसमें टाइफाइड है, डेंगू है, वायरल फीवर है, मलेरिया है, इन सब के मरीज जाँचों उपरांत निकल रहे हैं। डेंगू के भी 3-4 मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि फिजिशियन इस चिकित्सालय में नहीं है, तो जो होम ट्रीटमेंट है उनको होम ट्रीटमेंट की एडवाइस की जाती है। बाकी जो सीरियस होते हैं वो अन्य चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बलरामपुर चिकित्सालय में भर्ती हो जाए। रायबरेली में डीएम ऑफिस के सामने दलित परिवार धरने पर बैठा। आपको बता दें कि दलित परिवार का आरोप है कि ब्राह्मण परिवार उन्हें फोन पर धमकी देता है, जिसकी शिकायत दलित परिवार में कई बार उच्च अधिकारियों से कर चुका है, जिसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा स्थानीय थाने में भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से तंग आकर दलित परिवार धरने पर बैठने को मजबूर हो गया। कहां से भाग के आए? गांव से। गांव में यहाँ इनका लोग तरियाए नहीं, कठघर तक का आए हैं। मारते हुए आए क्या? हाँ, कठघर तक का आए हैं, घेर ही नहीं हुआ रास्ते में। अच्छा, इसको हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार के लगे इतना हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कोई रंजिश वंजिश है क्या? कोई रंजिश हमारी उनकी नहीं है। पहले से जबरदस्ती वही की खंजा मांग रहे हैं, खंजा हम लोग देवा नहीं चाहते, क्योंकि हमारी पुराना उनके मुहारे के सामने खंजा लगा हुआ, वो खंजा नहीं लेना चाहते। जबरदस्ती मेरे रायबरेली में कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मलबे में दब जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक के जानवरों का भूसा निकालते समय अचानक कच्ची मिट्टी दीवार पर गिर गई, जिससे युवक मलबे में दब गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से युवक को मलबे से बाहर निकाला गया और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह लगभग 9:30 बजे गुमावा के ग्रामवासी हैं लाल बहादुर सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सिंह। हाँ जी। तो ये अपना दीवार से कमरे में से कच्ची दीवार थी, वहाँ से लकड़ियाँ साफ कर रहे थे, लकड़ियाँ निकालते निकालते अचानक इनके ऊपर दीवार गिर गई और उसी में फिर दब गए वो। अच्छा। और फिर बाद में कुछ देर बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। गाँव कौन सा आपका? क्या हुआ आपके यहाँ? दीवार गिर गई। कैसे गिरी? लकड़ी धरने निकाल रहे थे, गिर गया दीवार। क्या नाम आपके पति का? कितनी समय लमसम गिरी दीवार? 9 बजे। उम्र कितनी रही है? 50 साल। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।